हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वॉचर प्लेनेट। आज हम एक्सप्लेन करेंगे एक ड्रामा हिस्टोरिकल मूवी को जिसे 2008 में रिलीज किया गया था, जिसका नाम है एन अमेरिकन अफेयर, जिसे डायरेक्ट किया था विलियम ओल्सन ने। और बात करें इसकी IMDb रेटिंग के बारे में जो है 6.2 आउट ऑफ 10 स्टार। मूवी के स्टार्ट होते ही हम एडम नाम के बंदे को देखते हैं। वो स्कूल में होता है और अपने फ्रेंड से कहता है कि वो लड़का तुम्हें गे बुला रहा है, क्या तुम उससे कुछ नहीं कहोगे। इस तरह से वो उसे चिढ़ा रहा होता है। इतना सुनने के बाद एडम के फ्रेंड ने उस लड़के को बहुत मारा। लड़ाई खत्म होने के बाद वो एडम से भी लड़ने लगता है। एडम एक कैथलिक स्कूल में पढ़ता है। फिर वहाँ पर सिस्टर आ जाती है और वो दोनों को लेकर जाती है। फिर उन दोनों को एक दिन के लिए डिटेंशन में डाल दिया जाता है। एडम का फ्रेंड एडम से बहुत गुस्सा होता है क्योंकि उसी की वजह से फाइट हुई थी। एडम भी ये बात रियलाइज़ करता है और उसे वो सॉरी कहता है। इसके बाद हम देखते हैं उस फाइट में एडम का दांत टूट गया होता है। वो उसे ग्लू से चिपका लेता है। फिर रात को डिनर करते वक्त कुछ न्यूड मैगजीन वो देख रहा था, उसी टाइम उसकी नज़र अपनी नेबर पर पड़ती है जिसका नाम कैथरीन होता है। कैथरीन एक आदमी के साथ होती है, वो हाफ नेकेड होती है, जिसे देखकर एडम एक्साइटेड हो जाता है और वो उसे लेकर क्यूरियस हो जाता है। अगले दिन स्कूल से आने के बाद वो उस पर नज़र रखता है। उसके घर पर कौन आता है कौन जाता है ये सब उसे पता चल जाता है। एक दिन वो घर पर नहीं होती है, तब उसका मेल मैडम को मिल जाता है। उस मेल में प्रेसिडेंट कैनेडी का लेटर था। वो लेटर पढ़कर बाहर आ रहा था, तब कैथरीन उसे मिलती है और वो उससे पूछती है तुम यहाँ क्या कर रहे हो। एडम कहता है मैं कुछ काम ढूंढ रहा हूँ, मुझे यूरोप ट्रिप पर जाना है जिसके लिए पैसे कमा रहा हूँ। वो उससे कहता है अगर आपके पास कुछ काम है तो मैं वो सब कर सकता हूँ। कैथरीन उसे घर के अंदर बुलाती है और उससे कहती है तुम क्या कर सकते हो। एडम उससे कहता है जो भी चीज़ें होती हैं, घर का काम, गार्डनिंग, ये सब मैनेज मैं कर सकता हूँ। कैथरीन भी एडम को गार्डन का काम देने के लिए मान जाती है। कैथरीन के घर में उसका और प्रेसिडेंट कैनेडी का फोटो था। कैथरीन कहती है मेरा फ्रेंड है। प्रेसिडेंट कैनेडी का फ्रेंड होना बहुत बड़ी बात थी। एक बार जब एडम की मॉम प्रेसिडेंट से मिली थी तब वो बहुत एक्साइटेड थी। एडम हमेशा रात में कैथरीन को खिड़की से देखता था और उसकी फ़ोटो भी क्लिक करता था। अगले दिन स्कूल में एडम की फ्रेंड फेथ उससे बात करती है, वो उसे लाइक करती थी इसलिए आज शाम को वो उसे अपने घर पर बुलाती है म्यूज़िक सुनने के बहाने। ये बात कर रही होती है तभी वहाँ पर सिस्टर आ गई और वो एडम के कान पकड़ कर वहाँ से उसे ले जाती है। घर आने के बाद वो कैथरीन के घर पर पहुँचता है और उसे कहता है आपने मुझे गार्डन का काम दिया था। कैथरीन के घर में एडम ने बहुत सारी पेंटिंग्स देखी, ये सब कैथरीन की पेंटिंग्स थी। एडम कहता है इसमें तो सिर्फ मुझे कलर दिखाई दे रहे हैं, उसे पेंटिंग्स में कुछ साफ नहीं दिखता। कैथरीन उससे कहती है इन पेंटिंग्स में तुम्हें जो भी देखना है तुम देख सकते हो। इसके बाद वो अपना गार्डन दिखाने के लिए एडम को अपने साथ लेकर जाती है। ये बहुत ही खूबसूरत गार्डन होता है लेकिन कैथरीन कहती है मुझे इसे पूरी तरह से मिटा देना है, इसके बाद वो फिर से प्लांट करेगी। एडम समझ जाता है कि इस गार्डन के फूल मुरझा जाते हैं, इसी वजह से कैथरीन उसे फिर से बनवा रही है। एडम गार्डन में काम करने लग जाता है और थोड़ी देर बाद फिर से कैथरीन उसके पास आती है। एडम उससे कहता है आप बहुत ही ब्यूटीफुल लग रही हो। कैथरीन हंसकर वहाँ से चली जाती है। एडम जब अपने घर पर आता है तब उसके मॉम एंड डैड नोटिस करते हैं कि उसके कपड़े बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो चुके हैं। वो कैथरीन के लिए काम कर रहा था जिसके बारे में वो अपने मॉम डैड को बता देता है। ये बात सुनकर उसकी मॉम बहुत ज़्यादा अपसेट हो जाती हैं। वो उसे समझाती हैं कैथरीन एक अलग टाइप की लेडी है, वो हमारी तरह नहीं है, उसने बहुत ही अलग अलग तरीके की चीज़ें की हुई हैं। वो उसे इनडायरेक्टली बता रही थी कि कैथरीन का करैक्टर अच्छा नहीं है। एडम कहता है आपने ही तो कहा था मुझे कुछ पैसे कमाने चाहिए। ये बात एडम के फादर को सही लगती है। वो उससे कहते हैं तुम काम तो कर सकते हो लेकिन काम होने के बाद डायरेक्टली घर पर आना। वो फिर से उस रात कैथरीन के घर पर नज़र रख रहा होता है, तब वो देखता है उसके घर के सामने बहुत ही बड़ी बड़ी गाड़ियाँ खड़ी हुई थी। वो अपनी दूरबीन लगाकर देख, तब उसे प्रेसिडेंट कैनेडी वहाँ पर दिखते हैं जिसे देखकर वो शॉक्ड हो जाता है। अगले दिन काम करते वक्त वो कैथरीन से पूछता है आप जो बोल रही थी प्रेसिडेंट कैनेडी आपके दोस्त हैं तो आपने बहुत सच कहा था, मैंने कल रात उन्हें आपके घर में देखा। तब कैथरीन उस पर गुस्सा होकर बोलती है इस बात को तुम भूल जाओ, कभी भी इसके बारे में किसी को मत बताना, कुछ चीज़ें प्राइवेट रखनी चाहिए। एडम को अपने मॉम डैड से पता चला था कि कैथरीन का एक बेटा था जिसके बारे में वो कैथरीन से पूछ लेता है। कैथरीन कहती है अब वो तुम्हारी एज का होता, वो बहुत ही स्वीट था। कैथरीन एडम को अपने बेटे की तरह समझती है, ये एडम को अच्छा नहीं लगता। दोनों की बातों से पता चलता है कि कैथरीन और उसके हस्बैंड में फाइट है। कुछ टाइम के बाद जब कैथरीन घर से बाहर जाती है तब एडम उसका पीछा करता है। वो लुसियन से मिलती है, लुसियन कैथरीन की एजेंसी के लिए काम करता था। इनकी एजेंसी बड़े बड़े लोगों, बिजनेसमैन, पॉलिटिशियंस को लड़कियां सप्लाई करने का काम करती है। लुसियन कैथरीन से प्रेसिडेंट कैनेडी को कुछ बताने के लिए कह रहा था, वो किसी बात को लेकर प्रेसिडेंट को कुछ समझाना चाहते थे लेकिन कैथरीन की उससे उस तरीके से बात नहीं होती। कैथरीन कहती है वो मेरा कुछ भी नहीं सुन रहा है, उस रात जब वो प्रेसिडेंट से मिली थी वो मेरा लास्ट टाइम था। इसके बाद हम देखते हैं फेद ने एडम को अपने घर पर बुलाया था, वो उसके घर पर जाता है, वो म्यूज़िक सुनते हैं और
और फिर वो किस करने लग जाते हैं। किस करते वक्त एडम का दांत निकल आता है जो उसने ग्लू से चिपकाया था। ये फेथ को बहुत घटिया लगता है। वो कहती है इस दांत को तुम फिक्स करवा दो, इसके बाद हम फिर से मिलेंगे। फिर हम देखते हैं जब एडम अपने मॉम एंड डैड को दांत के बारे में बताता है तो उस पर वो बहुत गुस्सा होते हैं। वो कहते हैं इसके बारे में तुम्हें पहले बताना चाहिए था। उसके ऐसा कुछ ना बताने पर उसकी मदर बहुत ही ज़्यादा अपसेट हो गई थी। एडम भी अपसेट होकर कैथरीन के घर के बाहर घूम रहा था। वो देखता है उसके घर में पार्टी चल रही है। तभी कैथरीन का हस्बैंड ग्राहम उसे पकड़ लेता है। वो उससे कहता है इस तरह से किसी के घर पर नज़र रखना गलत बात होती है, मैं तुम्हें जेल में भी डलवा सकता हूँ। वो उसे पकड़कर घर के अंदर ले जाता है। कैथरीन ने अपने फ्रेंड के साथ ड्रग्स लिए थे। तभी ग्राहम उसे कहता है तुम्हें हो क्या गया है, तुम इतनी दूर क्यों चली गई। कैथरीन कहती है हमारे बेटे की डेथ के बाद तुम्हें मेरा ख्याल रखना चाहिए था। ग्राहम भी यही चाहता है, वो अपनी फैमिली को अपने पास रखना चाहता है, लेकिन इन दोनों में काफ़ी झगड़े थे। ग्राहम ने ही प्रेसिडेंट कैनेडी के साथ कैथरीन को इंटीमेट होने के लिए कहा था। कैथरीन कहती है हमने जो भी किया इसके बारे में सब लोगों को पता है और सब लोग हम पर हंसते हैं। ग्राहम को ये बुरा लगता है और वहाँ से चला जाता है। अगले दिन एडम ने ग्राहम पर नज़र रखी हुई थी। ग्राहम लूसियन से मिल रहा था। ये दोनों डिस्कस कर रहे थे कि कैथरीन का क्या किया जाए। ग्राहम लूसियन से कहता है कैथरीन के पास एक डायरी है, उसके साथ जो भी होता है वो सबके बारे में उसमें लिखती है। ये डायरी होना बहुत बड़ा रिस्क था लेकिन ये कैथरीन के लिए एक सेफ्टी थी। अगर उसकी एजेंसी ने उसके साथ बुरा करने की कोशिश की तो वो सारी चीज़ों को एक्सपोज कर सकती है। इस डायरी के बारे में सुनने के बाद जब कैथरीन घर पर नहीं होती तब एडम उसके घर पर आ जाता है। वो डायरी को ढूंढ लेता है। फिर अचानक से कैथरीन किसी आदमी के साथ वहाँ पर पहुँच गई थी। एडम वहीं पर छुप जाता है और वो दोनों को इंटीमेट होते हुए देखता है। उस आदमी के जाने के बाद कैथरीन कहती है मुझे पता है तुम यहीं हो, तुम्हारा बैग यहीं पड़ा था। एडम बाहर आता है और वो उसे सॉरी कहता है। कैथरीन कहती है तुम सिर्फ क्यूरियस थे। वो उसे बॉर्न करती है कि फिर से ये सब नहीं होना चाहिए। इसके बाद हम देखते हैं एडम अपने फ्रेंड के साथ एक पार्टी में होता है जिसमें वो लोग एक गेम खेलते हैं और उस गेम के दौरान एडम को फेथ के साथ क्लोजेट में जाना पड़ता है। एडम कहता है मैंने अपना दांत फिक्स करवा लिया है, जिसके बाद वो उसे किस करने लगता है। जिस तरीके से उसने कैथरीन को इंटीमेट होते हुए देखा था उस तरीके से वो फेथ के साथ इंटीमेट होना चाहता था, जिससे फेथ थोड़ा अनकंफर्टेबल हो गई और उस पर गुस्सा होकर वहाँ से चली जाती है। एडम जब घर पर आता है तब कैथरीन के घर में बहुत ही लाउड म्यूजिक चल रहा था, जिसे देखने के बाद वो पहुँच जाता है। वो बाहरी बारिश में भीग रही थी। इसके बाद दोनों घर में आते हैं और वो ड्रिंक ले रही थी तो वो एडम को भी ड्रिंक ऑफर करती है। कुछ टाइम के बाद एडम कैथरीन को किस करने का ट्राई करता है लेकिन कैथरीन उसे रोक लेती है। इसके बाद वो पेंट से ही खेलने लगते हैं। अगली सुबह हम देखते हैं एडम के पेरेंट्स कुछ डिस्कस कर रहे थे। दरअसल एडम के फादर का एक नई जगह ट्रांसफ़र हुआ था। एडम की मॉम उसे लेकर कुछ परेशान थी कि अकेले वो उसे कैसे केयर करेगी। जब वो उसे उठाने जाती है तो उसके सारे कपड़े कलर से गंदे थे। इस बात से वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है। इसके बाद वो एडम के फादर से कहती है कि अभी के अभी कैथरीन के घर जाओ और उसे कहो एडम से वो कोई भी रिलेशन ना रखे, एडम को कोई भी काम करने की ज़रूरत नहीं है। एडम के फादर जब कैथरीन के घर पहुंचते हैं तब लूसियन वहां पर आया हुआ था। लूसियन जब एडम के फादर से बात करता है तब उनके बारे में लूसियन को सारी चीज़ें पता थी, यहां तक कि उनका ट्रांसफ़र होने वाला है उसे ये भी पता था और वो उनके सामने बोल देता है। ये सब सुनकर उसके फादर काफ़ी डर गए थे। इसके बाद वो कैथरीन से कहते हैं कि एडम को कोई भी काम मत देना, जिसके लिए कैथरीन मान जाती है। घर पर आने के बाद एडम के फादर बहुत गुस्सा हो गए थे। वो एडम से कहते हैं अब तुम्हें कैथरीन से कोई भी रिलेशन नहीं रखना है, तुम स्कूल जाओगे और सीधा घर पर आओगे। आज लूसियन कैथरीन को समझा रहा था कि तुम प्रेसिडेंट को समझाने की कोशिश करो, कुछ ना कुछ चीज़ें बदलनी चाहिए वरना प्रेसिडेंट को ही बदलना पड़ेगा। कैथरीन समझ गई कुछ ना कुछ तो गड़बड़ होने वाली है। वो प्रेसिडेंट को कॉल करके उसे वार्न करती है, वो उसे इग्नोर कर देता है। रात में वो व्हाइट हाउस भी जाती है। वहाँ जाकर वो गार्ड से पूछती है अगर कोई प्रेसिडेंट को गोली मार रहा हो तब तुम उसके सामने आ जाओगे। गार्ड कहता है मैं अपनी ड्यूटी पूरी ऑनेस्टी के साथ करूँगा। इसके बाद प्रेसिडेंट का एसोसिएशन हो जाता है। जब एडम को ये बात पता चलती है तब वो कैथरीन के पास जाता है और वो बहुत डिस्टर्ब थी और रो रही थी। एडम उसे सहारा देता है। कैथरीन कहती है ये सब मेरी गलती नहीं थी, मैंने उसे वार्न करने की बहुत कोशिश की थी। मौके का फ़ायदा उठाकर एडम कैथरीन के साथ इंटीमेट होना चाहता था लेकिन कैथरीन गुस्सा होकर उसे वहाँ से निकाल देती है। फिर कैथरीन को पता चलता है कि उसकी नोटबुक गायब है, ये उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट थी। फिर वो एडम के घर पर आती है लेकिन एडम की मॉम उसे एडम से मिलने नहीं देती। कैथरीन कहती है एडम के पास मेरी एक चीज़ है, प्लीज़ उसे वापस करने के लिए कही है। घर पर कैथरीन से मिलने के लिए उसका हस्बैंड आया हुआ था। वो उसे कहता है प्लीज़ नोटबुक वापस कर दो, तब तुम सेफ रहोगी। कैथरीन कहती है जब मैंने तुमसे शादी की थी तब तुम बहुत ही अलग पर्सन थे, अब तुम क्या बन गए हो,
ग्राम कहता है प्रेजेंट की डेथ तो होने ही वाली थी, वो किसी की नहीं सुनता था, इसमें किसी की भी गलती नहीं है। वो कैथरीन से सॉरी कहता है। वो कहता है हमारे बेटे की डेथ के बाद मैं सिर्फ तुम्हें ही दोषी मान रहा था, वो एक एक्सीडेंट था जिसमें कैथरीन दोषी नहीं थी। ग्राम कहता है प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मैं फिर से तुम्हारे साथ नई जिंदगी स्टार्ट करना चाहता हूँ, हम इस सबसे दूर नई कंट्री में चले जाएंगे। कैथरीन भी इस बात के लिए मान जाती है। शाम को वो लुसियन से मिलने जाती है। वो कहती है मैं तुम्हें नोटबुक नहीं देने वाली, वो नोटबुक मेरी एक सेफ्टी है, अगर किसी ने मुझे हार्म करने की कोशिश की तो सारी चीज़ें मैं एक्सपोज कर सकती हूँ। लुसियन कहता है मैं उस नोटबुक को ढूंढ लूंगा, मुझे पता है तुमने उस नोटबुक को छुपाया है किसी ऐसे आदमी के पास जिस पर मैं शक भी नहीं करूंगा। लुसियन को पता होता है कि डायरी एडम के पास है। कैथरीन इस बात से डर गई। वो एडम के पास आती है और कहती है प्लीज़ वो डायरी मुझे वापस कर दो, अब मैं यहाँ से जाने वाली हूँ। वो कहता है तुम यहाँ से क्यों जा रही हो? वो कहती है लाइफ में पर्पस ढूंढने के लिए, मेरा बेटा और मेरी आर्ट ये सब मेरी ज़िंदगी का हिस्सा थे। जैसे आप बड़े हो जाते हैं तो आप चीज़ें लूज़ करने लगते हैं, ये हमेशा आपको ढूंढती रहनी चाहिए और कुछ नई चीज़ें ट्राई करते रहना चाहिए। यह एडम के लिए एक लेसन था। अगले दिन जब वो स्कूल से घर आता है तो उसका कमरा बिखरा पड़ा था। लुसियन एडम के घर पर आकर वो डायरी लेकर गया था। एडम जब कैथरीन के घर पहुंचा तब वहां लुसियन होता है। वो कैथरीन की डायरी को जला देता है। वो एडम से कहता है कैथरीन काफ़ी डिस्टर्ब थी, उसने अपनी लाइफ अच्छी तरह जी है लेकिन अब वो थोड़ी कंफ्यूज हो गई थी। जो तुमने पढ़ा और देखा है इसके बारे में किसी को मत बताना। एडम कहता है कैथरीन कहाँ पर है? तब वो कहता है आज तुम जहाँ मिलने वाले थे। एडम उसी जगह पर मिलने के लिए पहुंचा, तब कैथरीन की नीचे गिरकर मौत हो चुकी थी। कैथरीन के हस्बैंड को इसके बारे में पता चलने के बाद उसे भी बहुत बुरा लगता है, लेकिन लुसियन के खिलाफ वो कुछ भी नहीं कर सकता था। कैथरीन की मौत के बाद एडम बहुत अपसेट था। स्कूल में अपने फ्रेंड के साथ उसकी बनती नहीं थी क्योंकि फ्रेंड्स के बीच उसने झगड़ा करवाया था। उसके फ्रेंड मिलकर उसे बहुत मारते हैं। उसने जो भी किया इस बात का उसे रिग्रेट होता है। घर पर आने के बाद उसे कैथरीन की तरफ से एक कोरियर मिलता है। उसने मरने से पहले एडम के नाम पर एक कोरियर कर दिया था, उसमें पेंटिंग्स के अलग अलग पार्ट से उन्हें जोड़ने के बाद एडम की फ़ोटो बनती है। यहीं पर मूवी एंड हो जाती है। आई होप आपको एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा होगा। अगर एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में।